व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है और आज की वीडियो उन लोगों का हेल्प करेगी जिसका फोन जो अभी अभी लाया हो और जो हीट प्रेशर या कोल्ड की वजह से, वैसे ठंड में ज्यादा होता है, ठंड की वजह से एक लाइनें स्टक पिक्सल जनरेट हो गई हो। आज अपन देखेंगे कैसे अपन स्टक पिक्सल्स को हटा सके। पहले मैं आपको एक डिफरेंशिएट क्लियर कर दूं, दो तरह के पिक्सल हो जाते हैं, हमने दो तरह की कमियां हो जाती हैं, स्टक पिक्सल और डेड पिक्सल। स्टक पिक्सल वो पिक्सल होता है जहां पर अपना लाइनें बन जाए रेड ग्रीन ब्लू कलर की, या रेड ग्रीन ब्लू कलर के डॉट आ जाए कहीं भी पोर्शन पे, और डेड पिक्सल वो होता है जहां से पूरा काला पड़ जाए, काला सा डॉट आ जाए। तो आज अपन स्टक पिक्सल पे ध्यान देंगे और स्टक पिक्सल 100% सही हो सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, दो तरीके मैं बताऊंगा, और अगर आपने दोनों का कॉम्बिनेशन लेके करा तो वो बहुत तगड़ा आ जाएगा, मतलब 100% रिजल्ट दिखेगा। तो तरीका नंबर वन है, अपन पूरी स्क्रीन को डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल कलर से सिमुलेट करेंगे। तो पहले मैं बता दूं, जहां पर आपका स्टक पिक्सल हो रखा है मतलब एक ही कलर में वो अटक गया, मतलब उसमें एनर्जी तो आ रही है तभी तो वो एक कलर दिख रहा है, चाहे वो रेड ग्रीन या ब्लू कलर हो, बट वो पिक्सल अपना कलर सिमुलेट नहीं कर पा रहा, मतलब अपना कलर चेंज नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन उस पिक्सल पर बहुत सारे कलर फ्रिक्वेंसी जनरेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब ऐप या कोई वीडियो जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्टक पिक्सल फिक्सर, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाना और लिख देना स्टक पिक्सल फिक्सर करके, ठीक है। तो कोई सी भी वीडियो आएगी आप चलाना उसको मिनिमम, यार मिनिमम 2 घंटे से लेके 2 दिन तक का आराम से समय लग सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस जहां पर आपका स्टक पिक्सल होगा उधर वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उधर वो चेंज होता रहेगा सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में, ठीक है। और वहां पर आपका धीरे धीरे करके पहले रेड होगा, फिर लाइट ग्रीन होगा, देन फिर ब्लेंड हो जाएगा अपने स्क्रीन से, देन वो पूरा सही हो जाएगा। अब ये अपना मेथड नंबर 1 था और ये 100% वर्क करेगा। मेथड नंबर 2 है, अब इससे क्या आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी दिख सकता है। आपको क्या करना है, एक शार्प सा चीज लेनी है और उस पर अपना रबिंग क्लोथ, मतलब क्लोथ एक रख लेना है इस तरह से, और उसको आपको हल्का हल्का प्रेशर जहां पर आपके स्टक पिक्सल है उधर प्रोवाइड करना है, धीरे धीरे प्रेशर से, धीरे धीरे प्रेशर से, और स्क्रैच के रूप में एक टेम्पर लगाव होना चाहिए तो ज्यादा सिक्योर रहेगा आपका, बट टेम्पर के ऊपर आपको धीरे धीरे जहां पर स्टक पिक्सल है उधर आपको प्रेशर अप्लाई करना है। प्रेशर अप्लाई करने के बाद उस टाइम तो आपको दिखेगा नहीं कि जा रहा है, बट हल्का सा आपको है ना स्टक पिक्सल हल्के फेड होते हुए दिखेंगे। अब आपको क्या करना है, जो मैंने मेथड 1 था उसको इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, आपको 100% रिजल्ट दिखेगा। नहीं दिखे तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट दिखेगा। और अगर एकदम फोन एकदम सही हो जाए तो कमेंट करके चले जाना और सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं आपको फिर नेक्स्ट ट्रिक में बताऊंगा कैसे आप डेड पिक्सल को सही करें, ठीक है। बाय बाय।